जय माता दी, जय माँ कामाख्या। क्या गुरु के बिना भी साधना की जा सकती है? कलयुग का ये वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। नियम तो ये कहता है कि गुरु के बिना कोई साधना नहीं की जा सकती, परंतु शास्त्र ये कहता है, क्या कहता है कि स्त्रोत सहस्त्र नाम अष्टोत्तर शत नाम, यानी जिस मंत्र में 108 अक्षर हो, उससे ज्यादा हो, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सब चीज के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो सहस्त्र नाम होते हैं, अष्टोत्तर शत नाम होते हैं, या उनकी स्तुति होती है, उनका कवच होता है, वो सब चीज साधक पढ़ सकता है सिवा मंत्र के, क्योंकि मंत्र को गुरु से ही लिया जा सकता है। और जब भी ये करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें, अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करें, या फिर कोई स्त्रोत का पाठ करें, तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शिव जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए और शिव जी का पुनश्चरण करना चाहिए खुद को, यानी 125,000 मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। उसके बाद में हनुमान जी को भी याद करते रहना चाहिए। जब ये पूरा हो जाए, उसके बाद आपको इस प्रकार के स्त्रोत कवच अष्टोत्तर शतनाम सहस्त्र नाम, इनके पाठ की आप साधना कर सकते हो, यानी जिसमें 108 से ज्यादा अक्षर हो, उनकी साधना आप कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा मंत्र जो आपको स्वप्न में प्राप्त हो जाए, स्वप्नेश्वरी दे जाए, और उठो तब तक आपको याद रहो और उसको नोट डाउन कर लो आप, तो ऐसे मंत्र के लिए भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर शाबर मंत्र कोई मिल जाए आपको, या फिर कोई बीज मंत्र आपको सपने में मिल जाए, तो बिना गुरु के भी उस मंत्र को जप कर सकते हो। उसी को ही आप गुरु मान लीजिए और आप जप कर सकते हो। तो प्रश्न ये जो था कि क्या गुरु के बिना साधना हो सकती है, तो हाँ, बिना गुरु के साधना हो सकती है, पर मंत्र का जप नहीं कर सकते, मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकते। आप उस शक्ति का जिससे आप प्रेम करते, जो आपकी इष्ट धात्री है या इष्ट धात्री देवता है, उनके स्तुति का गान करो, उनके भजन का गान करिए, उनका नाम लीजिए, उनके सहस्त्र नाम लीजिए, उनके अष्टोत्तर शत नाम लीजिए, उनके कवच पढ़िए और साधना पूरी करिए। जब भी आपके भाग्य में गुरु मिलना होगा, गुरु मिल जाएगा, तब आप उनसे उस चीज का ही मंत्र लीजिए जिस चीज के मंत्र की आपको आवश्यकता है, और ऐसे गुरु के पास पहुंचे जिसने वो मंत्र को सिद्ध कर रखा हो, तो ही वास्तव में गुरु दीक्षा कहलाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी चंड मंडनाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरिताप हारिणी शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और सत बुद्धि प्रदान करे। सबसे बड़ी बात है सत बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना हम माँ कामाख्या जगत जननी से आपके लिए हम करते हैं, कि आपको साहस प्रदान करें, कि आप धर्म के रास्ते पर चल सकें।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा।